क्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन वन एट सेट डी टैंक इन टू विच रॉ और पार्टली ट्रीटेड सीवेज इज कलेक्टेड लेफ्ट टू स्टे एंड डिस्चार्ज एट सच अ रेट एज मे बी नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट इस टर्म डिज वॉट सवाल यह बोल रहा है कि वो टैंक जिसमें आप या तो रॉ सीवेज को फीड कर दो आर यू फीड द रॉ सीवेज और पार्टली ट्रीटेड सीवेज इसमें हम सीवेज को स्टोर करते हैं लेफ्ट टू स्टे मतलब स्टोर करके रख देते हैं और सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज करते हैं अपनी रेट के हिसाब से फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसको टेक्निकली बोला जाता है प्रोसेस ऑफ डोजिंग इनफैक्ट ये सवाल तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं इस टैंक का नाम ये बोल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक नहीं सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या कराते हैं सेटलमेंट कराते हैं सेडिमेंटेशन टैंक का दूसरा नाम क्या होता है सेटलिंग टैंक तो बी और डी ऑप्शन तो सेम है स्किमिंग टैंक का काम तो क्या होता है ऑयल और गीस को रिमूव करना तो बी सी डी ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया तो डोजिंग टैंक वो टैंक होता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं और आगे वाली ट्रीटमेंट में भेजते हैं पर दी रिक्वायरमेंट। जिसमें ये सब चीजें होती है बेसिकली सारी फ्लो सारी को इक्वलाइज करने के लिए फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक इक्वलाइजर टैंक बनाते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक वगैरह जैसी चीजें भी होती है यहां पे

इसमें आप लोगों ने एक बात बताओ क्या आंसर मार्क किया होगा ट्वेंटी एट में क्या आंसर मार्क किया होगा बताओ यस सेटलिंग टैंक मार्क कर लिया होगा आपने मोस्टली सेटलिंग टैंक मार्क कर लिया होगा किसी ने डोजिंग टैंक लगा दिया होगा डोजिंग टैंक किसके लिए होता है केमिकल डोजिंग फीडिंग यूनिट्स राइट डोज देने के लिए होते हैं राइट right, केमिकल के डोसेजेस के लिए होते हैं तो कुछ लोगों ने ए लगा दिया है कुछ ने बी सी डी हर तरह के आंसर यहाँ पे हम लोग को दिखाई पड़ते हैं बट इसके लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सही आंसर होगा वी कांट से दिस और यहाँ पे अभी आप यूपीएससी के आंसर की का ऑफिशियल आंसर की का वेट करिएगा और यहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजें होंगी जो कि डिफरेंट होंगी डेफिनेटली जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है डेफिनेटली वो भी इंसान है है ना और उनसे भी और ख़ास करके यू से गलतियाँ तो होती ही रहती हैं राइट तो देखते हैं फिर कि क्या होता है आगे आगे देखिए